हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका और आज आपके लिए फिर से एक नया लेसन लेकर आई हूं। आज हम लेसन 10 को कवर करेंगे जो कि core.org के कोर्स ए का लेसन 10 है। ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है और यहाँ पर हम लूप का यूज़ करेंगे। लूप को हमने पहले भी इससे पहले के चैप्टर्स में आपको अच्छे से समझाया है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखें और मैंने लूप को एकदम बेसिक तरीके से बताया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेसन 10 का जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हम वन टाइम ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू पर आएंगे, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम को रन कर देंगे और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी हम दो डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, इसके बाद हम रन कर देंगे तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये हमने सिंपल फंक्शन से किया है फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन। आगे चल के क्वेश्चंस में हम लूप यूज़ कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी हम लूप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन से इजीली हो जाएगा तो यहाँ पर हमने लूप का यूज़ नहीं किया है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, अगर इसको हम फंक्शन से करते हैं तो 5 डायरेक्शन हमें नॉर्थ में चलना होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम लूप से करेंगे तो यहाँ पर हम रिपीट फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिपीट फंक्शन में जो रिपीट है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम इसको 5 times मतलब 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 बार ये चलेगा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और नॉर्थ का जो ये है इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा सिंपल लूप से हो गया। और जो आपने ब्लॉक यूज़ किए हैं उसका जो कोड है वो आप सोर्स कोड में देख सकते हो। जैसे जैसे आपने ब्लॉक लगाया है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी कोडिंग आ जाएगी। अगर आपको ये कोडिंग नहीं समझ में आ रही है हमने फॉर लूप कैसे किस तरीके से यूज़ किया है, तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप देख सकते हो। इससे जो पहले वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने लूप को अच्छे से समझाया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस लेसन 10 के सभी क्वेश्चंस को करेंगे और फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आप इजली वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको वीडियो पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो मुझे बताइए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो बस फ्रेंड, आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने इससे पहले के वीडियोस में मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और मेरे वीडियो को लाइक किया है, और जो भी मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोगों के लिए नए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। और ये जो कोर्स ए है ये छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे ईजली इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, आगे चल के आपकी कोडिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप जो है ब्लॉक अच्छे से लगाना सीख चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लॉक लगाना सीख गए तो आपके लिए कोडिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि छोटे बच्चे ही इस कोर्स को करें, 4 to 6 ईयर के, अगर उनसे बड़े भी बच्चे हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, वो कोडिंग को ईजली समझ भी सकते हैं। अब ये जो 8th क्वेश्चन है इसको भी फंक्शन से किया गया है, यहाँ पे लूप का यूज नहीं किया है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनको फंक्शन से ही करना चाहिए, उनको फालतू में टिपिकल ना बनाएं। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 फंक्शन लिए हैं, मूव अप मूव डाउन। आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर उसकी डिस्टेंस डाल दी गई है कि वो कितना चल रहा है दोनों साइड, तो वो उसके बीच में उसका जो है डिस्टेंस डाल दी गई है। तो बस कोड को कंटिन्यू करेंगे और कोडिंग को रन कर देंगे।
हैं।